कहाँ भाग? कैसे आप लोग वापस? हाँ माँ। तो कैसे आप लोग वापस? स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं धनबाद भैया के पास। तो पूजा भी कर लिया और पूजा करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं धनबाद की बहुत स्पेशल चीज़ लेने वाले हैं भाई, बताएंगे वाला क्योंकि मेरी बहन भी आई हुई है वहाँ पे, मेरी फुआ की बेटी भी आई हुई है निशा। तो अभी वहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो वहाँ बताया नहीं है वैसे, हम भैया को बोले थे हम बाद में आएंगे। अच्छा सरप्राइज भी दिया जाए, ठीक है फिर देखा जाए क्या होता है। तो रेडी तो हो गए, अब निकल गए हैं। एक तो ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना गर्मी है भाई, हमको तो बहुत कम उम्मीद लग रहा है। अरे भाई एक तो अभी चल गया, चल गया, अब प्रणाम कर लेते हैं। अच्छा मैं बैठ जाते हैं यार, आ गया आ गया आ गया आ गया ऑटो, आ गया आ गया। मौसम तो लग रहा है भाई बारिश होने वाला है। स्टैंड देखिए वहाँ पे लग रहा है बारिश होगा भाई, बस उससे पहले हम धनबाद पहुँच जाए। गर्मी तो हम बता ही नहीं सकते कितना लग रहा है हमको, लेकिन ठीक है थोड़ा बारिश जैसा मौसम करती है तो उसके थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। नया मोड़ वहाँ ऑटो, पीछे ऑटो वहाँ उतारता है, फिर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। पता नहीं किसका घर बन रहा है इतना मस्त। बस खुल गई है, हम 3:15 तक वहाँ पहुँचे, करके पहुँचेंगे फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के। हम स्टेशन पहुंच गए, धनबाद तो पहुंच गए रेलवे स्टेशन के पास से। अभी भैया बोले ऑटो से यहाँ से देखेंगे, बरवाटा का ऑटो मिलेगा वहाँ, बरवाटा का ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद अभी निकलेंगे घर जाके आपसे बात करते हैं। बहुत दूर यहाँ पर, इसमें से बरवाटा का जो ऑटो रहेगा उससे चल जाएंगे। अरे भाई सब्सक्राइब कर देना गाइस। हम तो पहुंच गए धनबाद, अब बस इंतजार कर रहे हैं भैया का। भाई ऑटो वाला गलत जगह उतार दिया, क्या करें हम। आप कहाँ हैं, कौन है, कौन है आप, हैं मेरा गाड़ी लेके कहाँ से घूम के आ रहे हैं आप, हैं चलिए हम यहाँ पर, हमको उतारा अभी उधर ले गया हमको, अब पूछो से बरवाटा तो इधर नहीं है, तो बोलता आपको जाना है, हमने बोलने जाना है, तो बोला कि अच्छा उतर जाइए, फिर पैदल आ गए वहाँ। पूरा हंसमुख इंसान
फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फुआ के घर। देखिए बोला दिख रहा है भैया का गाड़ी, वैसे कोई घर पे है नहीं यार। अभी भैया बताएं कि सब चल गया बकली दी के घर। बताओ यार, हमको भी जाने का मन था, कोई है ये नहीं है यहाँ पे। कहाँ? अमित भैया कब आएंगे? इतना हल्ला करने के बाद जाके बैठ गई। तो फाइनली भाई हम घर पहुंच गए हैं और फ्रेश हो गए। और भाई अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, बाहर से आए अभी, मतलब फ्रेश होके भाई इतना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते। अभी भाभी चाय बना रही है, तो फटाक से जाके पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे। अभी ये लोग सब चल गया घूमने के लिए, अब आएगा और तब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कब आएगा नहीं आएगा। भाई भैया का जिनमें जो लैबरा है भाई, उनको देख के भौंकने लगा, भुला गया भाई हमको। क्या हो गया? कहाँ देख रहे हैं दोनों को, बस इंतजार में है, ऐसे हम पे बहुत भौंकती है दोनों। आप फुआ के पीछे 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 जाएगा भाई लोग, परमानेंट टेबल के नीचे। अभी हम आम खा रहे हैं, देख रहे हैं इन लोग का मासूम शक्ल, इन लोग का मासूम शक्ल पे मत जाइएगा, बहुत मासूम दिखता है लेकिन है नहीं दोनों मासूम, दोनों में से कोई मासूम नहीं। अच्छा से बना देना दीदी, कोरियन फ्राइड हॉट एंड स्पाइसी। हम ही बनाए थे। ठीक है ठीक है ठीक, हल्का सा तेल देंगे। बहुत मिस किए हम आपको भैया, लेकिन आपका मस्त सीजनिंग ऑयल तब कहे तेलवा डाली, ये तो तेल देवे किया तब कहे तेल देवे दीदी। बन गया ना एकदम मस्त मस्त गरम गरम। भाई बहुत तीता है यार, मजाक नहीं, सही में बहुत तीता है। भाई हमको तो मजाक लग रहा था लेकिन सही में बहुत ज्यादा तीता है। तीता भाई मतलब नॉर्मल मैगी से पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है, मजाक नहीं, सही है, इसलिए बहुत पीता है। लगा सकते हैं भाई, देखिए रेडनेस दिख रहा है, रेडनेस पीता तो है। हमारा खाना भी आ गया, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं, कि भूख लगा है दोपहर से, कुछ खाएंगे जल्दी जल्दी खाएंगे।